नमस्कार, दोपहर समाचार में आपका स्वागत है। दिल्ली पुलिस ने पुलवामा आतंकी हमले के षड्यंत्रकर्ता के सहयोगी को गिरफ्तार किया। जम्मू कश्मीर में कल से चल रही विभिन्न आतंकरोधी कार्रवाईयों में 7 आतंकवादी ढेर। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष ने कहा, भारत पिछले 5 वर्ष में लगभग 7% वृद्धि के साथ विश्व की सबसे तेजी से बढ़ती अर्थव्यवस्थाओं में से एक। ब्रिटेन के प्रधानमंत्री टेरेसा मे ने यूरोपीय संघ से ब्रिटेन के अलग होने की समय सीमा इस महीने की 29 तारीख से आगे बढ़ाने के यूरोपीय संघ के फैसले का स्वागत किया। और 5वीं सैफ महिला फुटबॉल चैंपियनशिप के फाइनल में आज भारत का सामना नेपाल से। दोपहर समाचार के साथ मैं लवली निगम। दिल्ली पुलिस की विशेष सेल ने जैश ए मोहम्मद के आतंकवादी सज्जाद खान को गिरफ्तार कर लिया है। सज्जाद की गिरफ्तारी कल रात लाल किला इलाके से हुई। वो पुलवामा हमले के षड्यंत्रकर्ता मुदस्सर अहमद खान का सहयोगी है। पुलिस के अनुसार सज्जाद खान मुदस्सर के संपर्क में था, जो 11 मार्च को मुठभेड़ में मारा गया था। पता चला है कि सज्जाद खान 14 फरवरी को हुए पुलवामा हमले से पहले दिल्ली आया था, उसके बाद से यहीं छिपा हुआ था। सज्जाद जम्मू कश्मीर का रहने वाला है और उसे इस हमले की पूरी जानकारी थी। जम्मू कश्मीर में बारामूला, बांदीपोरा और शोपियां जिलों में पिछले 24 घंटे के दौरान आतंकवादियों के खिलाफ 4 अलग अलग कार्रवाईयों में 7 आतंकवादी मारे गए हैं। इनमें लश्कर का बड़ा सरगना भी शामिल है। इन मुठभेड़ों में एक अधिकारी सहित 7 सुरक्षाकर्मी और कुछ अर्धसैनिक घायल हो गए। रक्षा सूत्रों के अनुसार सुरक्षा बलों की संयुक्त टीमों की कार्रवाई में 2 आतंकरोधी बारामूला जिले के कलंतारा कंडी क्रीड़ी गांव में और 2-2 आतंकवादी हाजिन बांदीपोरा और गदरपुर शोपिया इलाके में मारे गए। सोपोर बारामूला में भी सुरक्षा बलों से मुठभेड़ में 1 आतंकवादी ढेर हो गया। रक्षा सूत्रों ने बताया कि बांदीपोरा के हाजिन में मारे गए 2 आतंकवादियों में से एक लश्कर ए तैयबा का शीर्ष सरगना और पाकिस्तानी नागरिक था। खबरों के अनुसार शोपियां और सोपोर इलाके में गोलीबारी जारी है, क्योंकि वहां अब भी कुछ आतंकी छिपे हुए हैं। सरकार ने नई दिल्ली में पाकिस्तान उच्चायोग में पाकिस्तान राष्ट्रीय दिवस आयोजन में किसी सरकारी प्रतिनिधि को न भेजने का फैसला किया है। सूत्रों के अनुसार यह पता लगने पर किया गया है कि पाकिस्तान ने इस अवसर पर जम्मू कश्मीर के अलगाववादी नेताओं को बुलाया है। भारत सरकार के रुख को देखते हुए कोई भी अधिकारी इस आयोजन में नहीं जाएगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सशस्त्र बलों का बार बार अपमान करने पर विपक्ष की आलोचना की है। श्री मोदी ने ट्वीट संदेश में कहा कि उन्होंने देशवासियों से आग्रह किया है कि वो विपक्षी नेताओं के बयानों पर सवाल उठाएं। हैशटैग जनता माफ नहीं करेगी के माध्यम से प्रधानमंत्री ने सैम पित्रोदा को निशाना बनाया और कांग्रेस की ओर से विदेश मामलों को संभालते हैं। खबर है कि श्री पित्रोदा ने कहा था कि मुंबई आतंकी हमले के बाद भारत हवाई हमले कर सकता था, लेकिन हमला इस मुद्दे का समाधान नहीं है। श्री मोदी ने कहा है कि ऐसे बयान देकर कांग्रेस मान रही है कि वो आतंकी ताकतों का जवाब नहीं देना चाहती। देश की जनता पहले से ही सच्चाई को जानती है। पाकिस्तान के राष्ट्र दिवस पर कांग्रेस की ओर से आयोजन शुरू करने पर प्रधानमंत्री ने सैम पित्रोदा की निंदा की, क्योंकि इससे देश के सशस्त्र बलों का अपमान हुआ है। वित्त मंत्री अरुण जेटली ने बालाकोट में भारतीय वायुसेना की कार्रवाई पर सैम पित्रोदा की टिप्पणी की तीखी आलोचना की है। भाजपा मुख्यालय में श्री जेटली ने कहा कि पित्रोदा को लगता है कि भारत ने जो किया वो गलत है, लेकिन किसी अन्य देश ने और यहां तक कि इस्लामिक सहयोग संगठन ओआईसी ने भी इन हवाई हमलों की आलोचना नहीं की। इससे पहले सैम पित्रोदा ने बालाकोट हवाई हमले में मरने वालों की संख्या पर सवाल उठाया था और बाद में कहा कि वे सरकार के फैसले का सम्मान करते हैं और देश का नागरिक होने के नाते ये जानकारी मांग रहे हैं। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे ट्विटर हैंडल @AIRNewsHindi को फॉलो कर सकते हैं। स्कूल की जब हुई छुट्टी, हम बच्चों ने ये बीड़ा उठाया, आने वाले चुनाव का हर पहलू एक नाटक के जरिए समझाया। हर नागरिक जो जनवरी 1 तक पूरा करेगा 18 साल, वो करवाए अपना रजिस्ट्रेशन हर हाल, और हर योग्य मतदाता को चेक करना है वोटर लिस्ट में अपना नाम, क्योंकि वही मतदाता वोट देकर आएंगे जो अपना नाम वोटर लिस्ट में पाएंगे। तो समय रहते पंजीकरण करना और वोटर लिस्ट में अपना नाम चेक करना भूले ना। इस महात्योहार एक भी वोटर छूटे ना। Verify or register on nbsc.in or call voter helpline 1956.
द्वारा जनहित में जारी। स्वच्छता ऐप, अब समस्त भारत में स्वच्छता आपकी उंगलियों पर। किसी भी शहर में कचरा छूटने ना पाए, आप अकेले या दूसरों के साथ जुड़कर अपने शहर और देश को स्वच्छ बना सकते हैं। आसान है, स्वच्छता ऐप डाउनलोड करें, मोबाइल नंबर रजिस्टर करें, अगर आपके आसपास गंदगी है तो उसकी तस्वीर खींचकर पोस्ट कीजिए, कंप्लेन कीजिए, आपकी कंप्लेन तुरंत निर्धारित विभाग तक पहुंच जाएगी। तो कहिए, देंगे ना भारत का साथ, क्योंकि देश स्वच्छ तो देश स्वस्थ। अपने शहर को स्वच्छ सर्वेक्षण 2019 में अव्वल बनाए, आवासन और शहरी कार्य मंत्रालय द्वारा जनहित में जारी। क्या बच गए? बच गए जी, बच गए, पूरी गांव के पैसे बच गए। वो कैसे? कब हुई बीमारी जो दरवाजे हुए बंद, बजे सबके हजारों पैसे, दवाई इलाज के खर्चे हुए कम। बच गए जी, बच गए, सबके पैसे बच गए। भारत के घर घर में शौचालय खुला, अब खुले में जाना बंद, रखो दरवाजा बंद, और याद रहे शौचालय का इस्तेमाल और देखरेख हर कोई हर रोज हमेशा। स्वच्छ भारत, एक कदम स्वच्छता की ओर। पेयजल एवं स्वच्छता मंत्रालय द्वारा जनहित में जारी। दरवाजा बंद तो बीमारी बंद। दोपहर समाचार में आपका फिर स्वागत है। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष ने कहा है कि भारत विश्व की सबसे तेजी से बढ़ रही बड़ी अर्थव्यवस्थाओं में से है। कोष के संचार निदेशक गैरी राइस ने बताया कि 5 वर्ष में भारत में कई महत्वपूर्ण सुधार लागू किए गए हैं और उच्च विकास दर बनाए रखने के लिए अभी और सुधार किए जाने चाहिए। श्री राइस ने कल रात वाशिंगटन में संवाददाता सम्मेलन में बताया कि भारत में पिछले 5 साल में वृद्धि दर करीब 7% रही है। आगामी लोकसभा चुनाव के लिए असम में भारतीय जनता पार्टी ने 8 उम्मीदवारों की घोषणा कर दी है। इनमें जोरहाट से राज्य के बिजली मंत्री तपन कुमार गोगोई और करीमगंज से विधानसभा के उपाध्यक्ष कृपानाथ मल्ला शामिल हैं। प्रतिष्ठित गुवाहाटी निर्वाचन क्षेत्र से पार्टी ने पूर्व मेयर क्वीन ओझा को टिकट दिया है। नेशनल पीपुल्स पार्टी ने 5 सीटों के लिए उम्मीदवारों की घोषणा की है। ये सीटें हैं सिलचर, तेजपुर, कालियाबोर, जोरहाट और डिब्रूगढ़। कांग्रेस ने राज्य के पूर्व मंत्री प्रद्युत बरदोलोई को नौगांव से उम्मीदवार बनाया है। पार्टी ने तेजपुर में पूर्व नौकरशाह एमजीवी के भानु और कालियाबोर सीट पर मौजूदा सांसद गौरव गोगोई को चुनाव मैदान में उतारा है। ओडिशा में भारतीय जनता पार्टी ने विधानसभा की 147 में से 100 सीटों के लिए उम्मीदवारों की घोषणा की है। हाल में बीजू जनता दल छोड़कर भाजपा में शामिल होने वाले कई नेताओं को टिकट दिया गया है। इस सूची में प्रकाश बेहड़ा, दामोदर राउत, कुसुम टेठे और के नारायण राव का नाम शामिल है। पार्टी ने हिंजिली और विजयपुर सीट पर अभी किसी उम्मीदवार के नाम की घोषणा नहीं की है। इन सीटों पर बीजू जनता दल के अध्यक्ष और मुख्यमंत्री नवीन पटनायक चुनाव लड़ रहे हैं। राज्य में 11 अप्रैल से 4 चरणों में मतदान होगा। बिहार में महागठबंधन में शामिल राष्ट्रीय जनता दल, कांग्रेस और उसके सहयोगी दल आज पटना में सीटों के समझौते की घोषणा करेंगे। इसके लिए राष्ट्रीय जनता दल के तेजस्वी यादव को अधिकृत किया गया है। इस अवसर पर महागठबंधन के सभी सहयोगी दल उपस्थित रहेंगे। पार्टी सूत्रों के अनुसार राज्य में 40 लोकसभा सीटों में से राष्ट्रीय जनता दल और कांग्रेस 30 सीटों पर मिलकर चुनाव लड़ेगी और बाकी सीटें सहयोगी दलों के लिए छोड़ देगी। पूर्व क्रिकेट खिलाड़ी गौतम गंभीर भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो गए हैं। उन्होंने आज नई दिल्ली में केंद्रीय मंत्री अरुण जेटली और रविशंकर प्रसाद की उपस्थिति में पार्टी की सदस्यता ग्रहण की। इस अवसर पर श्री गंभीर ने कहा, फर्स्ट ऑफ ऑल आई वुड लाइक टू थैंक बीजेपी फॉर गिविंग मी दिस अपॉर्चुनिटी टू बी डूइंग समथिंग स्पेशल फॉर द कंट्री। ऑब्वियसली मैं प्राइम मिनिस्टर से बहुत प्रभावित होकर और उनके विजन से बहुत प्रभावित होकर आई एम ज्वाइनिंग दिस पार्टी एंड आई एम श्योर दैट आई एम गोइंग टू लिव अप टू देयर एक्सपेक्टेशंस बिकॉज आई हैव डन व्हाटएवर आई कुड इन क्रिकेट। आकाशवाणी का समाचार सेवा प्रभाग आगामी आम चुनाव से संबंधित विशेष चर्चा जनादेश 2019 प्रसारित कर रहा है। ये कार्यक्रम आकाशवाणी के FM गोल्ड चैनल पर प्रतिदिन शाम 4:05 से 4:30 तक सुना जा सकता है। ये समाचार हमारी वेबसाइट newsonair.nic.in पर भी उपलब्ध हैं। हीरो है पान वाला पुरारी, हीरो का उगी।
भारत के घर घर में शौचालय खुला, अब खुले में जाना बंद, रखो दरवाजा बंद। और याद रहे, शौचालय का इस्तेमाल और देखरेख हर कोई हर रोज हमेशा। स्वच्छ भारत एक कदम स्वच्छता की ओर, पेयजल एवं स्वच्छता मंत्रालय द्वारा जनहित में जारी। दरवाजा बंद तो बीमारी बंद। ये आकाशवाणी है। यूरोपीय नेता ब्रिटेन के प्रधानमंत्री टेरेसा मे ब्रिटेन के यूरोपीय संघ से अलग होने की समय सीमा कुछ और बढ़ाने पर सहमत हो गए हैं। यूरोपीय नेता अनुच्छेद 50 की प्रक्रिया पूरी करने के लिए कुछ और समय देने तथा ब्रिटेन के यूरोपीय संघ से अलग होने की समय सीमा इस महीने के 29 तारीख तक आगे बढ़ाने पर सहमत हो गए हैं। सुश्री मे ने यूरोपीय संघ के इस फैसले का स्वागत किया है। उन्होंने कहा है कि अब सांसदों के सामने अगले कदम के बारे में स्थिति स्पष्ट होगी। पांचवीं सैफ महिला फुटबॉल चैंपियनशिप के फाइनल में आज नेपाल के विराट नगर में वर्तमान चैंपियन भारत का मुकाबला नेपाल से होगा। ब्यौरा हमारे संवाददाता से। अब से कुछ देर बाद दक्षिण एशिया की दो सबसे बेहतरीन टीमें खिताब के लिए आमने सामने होंगी। मौजूदा चैंपियन भारत ने अब तक सभी चारों प्रतियोगिताएं जीती हैं, जबकि तीन बार फाइनल में पहुंचने के बाद भी नेपाल को सफलता नहीं मिल पाई है। 2010 से लेकर अब तक दोनों टीमों के बीच 10 मुकाबले हुए हैं, जिसमें भारत ने 7 और नेपाल ने केवल 1 में जीत हासिल की है। 2 मैच ड्रॉ रहे। हाल के मुकाबलों में नेपाल ने भारत के खिलाफ अच्छा प्रदर्शन किया है। नवंबर 2018 में ओलंपिक क्वालिफायर्स में दोनों टीमों के बीच मैच 1-1 से बराबर रहा था, जबकि पिछले महीने हीरो गोल्ड कप में नेपाल ने भारत को 2-1 से मात दी थी। इसे देखते हुए फाइनल के काफी रोमांचक होने की उम्मीद है। राजकुमार, आकाशवाणी समाचार, काठमांडू। पहले सेमीफाइनल में नेपाल ने श्रीलंका को 4-0 से हराकर फाइनल में जगह बनाई। बिहार आज अपना 107वां स्थापना दिवस मना रहा है। हमारे संवाददाता ने बताया कि इस अवसर पर कई कार्यक्रम आयोजित किए गए हैं। आज ही के दिन 1912 में बंगाल प्रेसिडेंसी का विभाजन कर अलग बिहार राज्य का गठन किया गया था। 3 दिनों तक बिहार दिवस समारोह के दौरान विभिन्न कार्यक्रमों का आयोजन किया जाएगा। आज सुबह प्रदेश के विभिन्न स्कूलों से प्रभात फेरी निकाली गई। चुनाव को देखते हुए राजनेता सक्रिय रूप से बिहार दिवस समारोह में भाग नहीं ले रहे हैं, लेकिन चुनाव आयोग मतदाता जागरूकता रैली और विभिन्न कार्यक्रमों का आयोजन कर रहा है। आकाशवाणी समाचार के लिए पटना से कृष्ण कुमार लाल। राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री ने इस अवसर पर लोगों को बधाई दी है। आज विश्व जल दिवस है। इस अवसर पर ताजा पानी के महत्व और ताजा पानी के स्रोतों के टिकाऊ प्रबंधन के प्रयासों पर बल दिया जाता है। इस वर्ष जल दिवस का विषय है कोई वंचित न रहे। विश्व जल दिवस मनाने का सुझाव 1992 में संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण और विकास सम्मेलन ने दिया था। 22 मार्च 1993 को महासभा ने पहला विश्व जल दिवस मनाया था। उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू ने जल दिवस पर लोगों से संकल्प लेने को कहा कि वे सभी को स्वच्छ जल उपलब्ध कराने में सहयोग करेंगे। ट्वीट संदेश में श्री नायडू ने कहा कि स्कूली बच्चों सहित सभी को पानी की हर बूंद बचाने का महत्व समझाया जाए, क्योंकि पानी पर सभी का अधिकार है। इसके लिए पानी की बर्बादी रोकने, पानी को बार बार इस्तेमाल करने और पानी को फिर प्रयोग लायक बनाने के अभियान चलाए जाने चाहिए। समाचार कक्ष से मैं त्रिलोकीनाथ। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। दिल्ली पुलिस ने पुलवामा आतंकी हमले के षड्यंत्रकर्ता के सहयोगी को गिरफ्तार कर लिया है। जम्मू कश्मीर में कल से चल रही विभिन्न आतंकरोधी कार्रवाईयों में 7 आतंकवादी मारे गए हैं। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष ने कहा है कि भारत पिछले 5 वर्ष में लगभग 7% वृद्धि के साथ विश्व की सबसे तेजी से बढ़ती बड़ी अर्थव्यवस्थाओं में से एक है। ब्रिटेन की प्रधानमंत्री टेरेसा मे ने यूरोपीय संघ से ब्रिटेन के अलग होने की समय सीमा इस महीने की 29 तारीख से आगे बढ़ाने के यूरोपीय संघ के फैसले का स्वागत किया है। और पांचवीं सैफ महिला फुटबॉल चैंपियनशिप के फाइनल में आज भारत का सामना नेपाल से होगा। इसके साथ ही दोपहर समाचार का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।